हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम संजना। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप एक स्केच ऑलरेडी ड्रॉ देख सकते हैं। मैंने रिसेंटली में इसकी टाइम लैप्स वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। अभी मैं सेकेंड स्केच ड्रॉ करने वाली हूँ, जिसके आउटलाइन आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह मैं अपनी ड्राइंग की शुरुआत हेयर के साथ कर रही, क्योंकि मुझे हेयर ड्रॉ करना पहले बहुत ज़्यादा पसंद है। मगर आप किसी बड़े आर्टिस्ट या किसी और का वीडियो देखेंगे तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले आईज़ बनाओ, फिर आप हेयर या ड्रेस या बाकी चीज़ों पर ध्यान देना। बट एक्चुअली ये है कि जब आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे तब आपको सबसे पहले आईज़ बनानी चाहिए, वहीं से आपकी शुरुआत करनी चाहिए। तभी आपकी आउटलाइन काफ़ी परफेक्ट बनेगी और काफ़ी अच्छी लगेगी। बट जब आप शेडिंग स्टार्ट करते हो तब आप कहीं से भी कर सकते हो, हेयर के साथ, ड्रेस के साथ, फेस के साथ। आप किसी भी साइड से कहीं से भी आप शेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट जब आप आउटलाइन ड्रॉ करो तो आईज़ के साथ करोगे तो ज़्यादा परफेक्ट है, वरना आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लगभग इसके हेयर जो हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं। बस इसमें थोड़े से हाइलाइट्स और डार्क पोर्शन बाकी, आप रेफरेंस फ़ोटो में देख सकते हैं। मुझे इसे थोड़े ज़्यादा और हाइलाइट करनी है और थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है, तो हाँ अभी वही करते हैं। सो ये रही हमारी कंप्लीट ड्राइंग की टाइम लैप्स वीडियो। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। ये दोनों मेरे कज़न्स हैं और इसके पहले जो मैंने अपलोड की है वो इस गर्ल की है, जिसमें मैंने इसके हेयर और इसके ड्रेस कैसे ड्रॉ किया वो सब कुछ दिखाया है, बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। आप जाकर ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को भी, ये सेकेंड पार्ट है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियो में काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ, न्यू ट्रिक्स टिप्स और ड्राइंग के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।